welcome to 30 day capf class course this is iman capf 2019 all india rank 163 this is 12th lecture in science series in this in this will cover botany and subsection of botany's classification of plant A and plant morphology very important lecture but bombarded with lots of fact so let us uh, let us begin with the lecture लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिस लेक्चर इज़ फैक्चुअल एंड विल बी बॉम्बारडेड विद लॉट्स ऑफ फैक्ट्स इसमें इस, uh, इस, इस uh, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं यू पी एस सी व्यू पॉइंट से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं नथिंग मच टू एक्सप्लेन हीयर बट आई वुड सजेस्ट कि आप लेक्चर्स uh, को अच्छे से ध्यान से अटेंटिव होकर के सुने क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यू पी एस सी में सबसे फर्स्ट इज बॉटनी बॉटनी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज़ इज कॉल्ड द फादर ऑफ़ बॉटनी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान्टे किंगडम इज डन बाई एक्लर In the year 1883, as under, plant kingdom as uh, cryptograms and phanerograms. See, cryptograms are those uh, plant uh, plants without seed flowers, and phanerograms are flower seeds bearing plants. Cryptogram is further divided into thallophyta, bryophyta, and pteridophyta. And phanerograms is uh, divided into gymnosperm and angiosperm. Angiosperm is further divided on the basis of uh, cotyledons. That is monocotyledon and dicotyledons देखिए आगे क्या है ये आगे आपको क्रेस्टल क्लियर हो जाएगा तो हम मूव करते हैं फर्स्ट इज क्रेप्टोकेमस प्लांट सी क्रेप्टोकेमस प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड फर्स्ट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू थेलोफाइटा ब्रियोफाइटा एंड तेरेडोफाइटा thallophyta is the largest group of the plant kingdom and uh, plant of this group is thallus-like thallus means they are not differentiated into root stem and leaves it is the lowermost group of the plant kingdom That there is no conducting tissue in the thalophyta and it is divided into two that is algae and fungi the algae and phycology is the study of algae they are having chlorophyll and they, the, the mode of nutrition in algae is autotropic autotropic are those who can who, who are capable enough to prepare their own food नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इस फेरो इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क वन मोर पॉइंट फ्रॉम दी एलगे इज कॉलेरा विच इज एलगे इज नोन एज द स्पेस एलगे बिकॉज द एस्ट्रोनट कैन गेट प्रोटीन फूड वाटर ऑक्सीजन बाई सोइंग कॉलेरा इन द टैंक ऑफ द एयरक्राफ्ट नेक्स्ट इज फंगी फंगी से आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ फंगी इज माइकोलॉजी इट इज विदाउट क्लोरोफिल एंड द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ चेथिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज राइजोपोज इज कॉमनली कॉल्ड ब्रेड मॉल्ट अल्फा टॉक्सिंस आर प्रोड्यूज बाय फंगी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइकंस आर एसोसिएटेड विद द एलगे एंड फंगी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सी लाइकस आर द एसोसिएशन ऑफ एलगे एंड फंगी दोनों मिलाकर के जो होते हैं दैट इज द लाइकंस हमने इसको एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल सक्सेशन में भी देखा था कि लाइक लाइकेंस वर द फर्स्ट ऑर्गेजम टू अपियर ऑन द बेयर रॉक एंड लाइकंस आर द एसोसिएशन ऑफ एलगे एंड फंगी नेक्स्ट इज सेक्सोकॉलस सी लाइक डेवलपिंग ऑन रॉक स्टेट स्टेट सब स्टेट्सोकॉल नेक्स्ट इज यूस्ट रिप्रड्यूस थ्रू बडिंग देखिए बडिंग क्या होता yeah. है अदर एसोसिएटेड टर्म्स विद बडिंग वो आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर होगा नेक्स्ट इन द क्रिप्टोग्स इज ब्रेव फाइटर ठीक है क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग सीड्स इज ब्रेव फाइटर दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स इन ब्रो फाइटर देर इज लैक ऑफ जयलम एंड फाइलम टिश्यू आई होप आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन द प्लांट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्रोफ फाइटर द लैक ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव And uh, you need to remember very important point amphibian category of the plant kingdom is Bryophyta. Next is uh, water conduction takes place in the mosses through the parenchyma. Very important point. Two more important point that is you need to remember from sagnum moss is it is used as fuel and it is also used as antiseptic. Next, yes. last in the cryptogams plant kingdom is pterodophyta The plant uh, the plants of this group is mostly found in wet shady places, forests and mountains. The bodies of this these plant pterodophyta is divided into roots, stem and leaves. Very important point. And uh, reproduction occurs by spores gametophyte is called the protothallus in terodophytes very important point again uh, plants of this community have conducting tissue but xylem does not contain vessels and phylum does not contain companion cell next important point is mosses from the bryophytes and ferns from the terodophytes are called the amphibian of the plant kingdom very important point marsilo fern, and horsetail are examples of pterodophyta. next is phenerogram that these are the flowering plants in the plant kingdom

एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सिक्योर जेजेंटा कम्स अंडर इट एंड इट्स हाइट इज 120 मीटर इट इज द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेडवुड ऑफ द कैलिफोर्निया स्मॉलेस्ट प्लांट इज जैमिया पिग्मिया नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नो पॉइंट इज यूज एज अ फूड साइकस इज ऑल्सो कॉल्ड सैगो पार्मूज एज वुड वेपर ऑयल टेन रेजिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेजिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉनिफरस ट्री एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉली इम्रियोनी इज साइट्रस next is angiosperm see angiosperm means covered seed in this plant the subgroup seeds are found inside the fruits that is concealed seed seeds uh, in these plant root leaves flower fruits and seeds are fully developed and on the basis of number of cotyledons angiosperms are further divided into monocotyledons and dicotyledons in monocotyledons only one cotyledon is uh, only one cotyledon in seeds and dicotyledons only uh, dicotyledons have two cotyledons in this dog di, dicotyledons plants have two cotyledons in, in its seed that's why they are called dicotyledons. example of the killing exam same, uh, exam it is it is important next is leaves are called the lungs of the plant important point cocoa uh, coca coca and chocolate which is obtained from the plant is, is a shrub you need to remember this banana tree is also a shrub. नेक्स्ट इज पल्सिस आर ऑप्टेन फ्रॉम दी फैमिली लेग्युमिनस ये देखिए ये सब एग्जाम्प ये सब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट आएंगे आ, तो आप इसको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट इज क्वेन दैट इज ऑप्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ऑफोना ट्री इज यूज इन द मलेरिया फीवर ट्रीटमेंट नेक्स्ट इज गोल्डन राइस दी गोल्डन राइस कंटेन्स द बीटा कैराटीन जी एंड इट इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड क्रॉप दैट इज प्रोड्यूसड बाई बायोथिंथिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैराटिन अ प्रीगर्सर ऑफ प्रो विटमिने नेक्स्ट इज पोटैटो टमाटो एंड ब्रिंजल अर

नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स दे बिकम एक्टिव इन साइड लिविंग सेल और होस्ट सेल एंड न्यूक्लिक एसिड डिप्लीकेटसे प्रोड्यूस रैपिडली दे काजेज डिजीज जस्ट लाइक द बैक्टीरिया एंड फंगी देखिये जनरली वायरस होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं लेकिन जैसे ही उनको कोई होस्ट सेल मिलता है या लिविंग सेल मिलता है दे बिकम एक्टिव एंड देट इज वाई दे आर डेंजरसम थिंग इज हैिंग विद द कोरोना वायरस नेक्स्ट हम मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू पैरासाइटिक नेचर वायरसिस ऑफ थ्री टाइप्स फर्स्ट इज प्लांट वायरस नेक्स्ट इज एनिमल वायरस एंड Next is bacteriophage. See, plant virus may RNA is present. Animal virus may DNA or sometimes RNA is found inside it. And next is bacteriophage. Very important. A virus, that infect in, uh, a virus that infects and replicates within bacteria is called the bacteriophage. They kill the bacteria and then after they replicate it itself. In man, virus can cause disease like mumps, chickenpox, hepatitis, polio, AIDS, HERS, corona, etc. HIV often comes.

our next topic is bacteria I think a bacteria was first discovered by Leeuwenhoek. Uh, he was of holland in 1683 Leeuwenhoek is called the father of bacteriology very important point next is robert koch discovered the bacteria of tuberculosis disease next point is louis pasteur louis pasteur discovered the vaccine of rabies and pasteurization of milk on the basis of shape bacteria can be divided into different types that is bacillus it is a rod like or cylindrical like rod or caucus it is a ro round and smallest bacteria next is comma shape in english language the sign the signs comma it is in that shape next is spirillum it is a spring or screw shaped some species of azotobacter azospirulum and clostridium bacteria live freely in the soil and fix atmospheric nitrogen तो आपसे ये ऐसे स्टेटमेंट सवाल नहीं आएगा यूपीएससी में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फिक्सेस द नाइट्रोजन यू रिमेंबर एज एज ऑसम एंड क्लोस्टेडियम एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नेक्स्ट इज बैक्टीरिया केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट इज कॉल्ड द नाइट्रोजोमज नेक्स्ट पॉइंट इज एनाबेना एंड नॉस्टिक साइनो बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज राइजोबियम आर कॉल दिम बायोटिक बैक्टीरिया एंड हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई द माइक्रोब्स आर कॉल्ड द दस देखिए नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क दो मेथड से हम मिल्क को प्रेस्राइज करते हैं दैट इज एल टी एच एंड एच टी एस टी देखिए एल टी एच में क्या होता है कि मिल्क इज बॉइल्ड एट सिक्सटी टू पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स एंड एच टी एस टी दैट इज हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड इज मिल्क इज बॉइल्ड एट सेवेंटी वन पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन सेकेंड ये डिग्री एंड टाइम आप याद रखेंगे दैट विल बी सफाइस फॉर दिस एग्जाम Next is in leather industry separation of hair and fat from the leather is done by the bacteria and this method is called the tanning of leather next is pickles and syrups are kept in salt or liquid of sugar so that bacterial attack is minimum next is citrus fruit and pickles are not stored in iron container because it contains organic acid इन कोल्ड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स आर कैप्ट एट माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट इज माइक्रोप्लाज्मा हमने पहले भी पढ़ा था स्मॉलेस्ट नॉन प्रियोकर सेल इज माइको प्लाज्मा नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक दट इज पेनीसिलीन वेरी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल अंडर एनैरोिक कंडीशन इज कॉल्ड डिकम्पोस्टिंग देखिए एनैरोबिक कंडीशन मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड बैक्टीरिया का बैक्टीरिया का बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल अंडर एबसेंस ऑफ इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड दम्पोज नेक्स्ट हम मूव करते हैं द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासिस इज फॉर प्रोड्यूसिंग एथेनॉल मोलासिस क्या होता है देखिए सुगर जो, जो कीन होता है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम द सुगर कीन जो उसके में बेगैसिस बच जाते हैं उसी को फरमेंट करके दैट इज कॉल्ड द मोलासिस एंड इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल Among fungi, bacteria, virus, and protozoa, the photo pho phototropic nutrition only happens in the bacteria. That is very important point. Next is plant morphology. The study of forms and features of different parts of the plant is called the morphology. hair root. Root hairs arises from epidermis, root generally grows in the soil, away from the light. रूट्स आर ऑफ टू टाइप दैट इज़ टैप रूट एंड एडवेंटीडियस रूट ज़्यादा डिटेल में आप मत जाइए दैट इज वट एवर इज बींग कवर्ड इज़ सुफिशियंट फॉर एग्जाम नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आप देख लीजिएगा मॉडिफिकेशन कैसे होता है जैसे कैरेट में कॉनिकल होता है रेडिश में फूसी फॉर्म होता है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा रूटलेस प्लान्टज कॉल्ड द लेमना नेक्स्ट इज स्टेम स्टेम इज दैट पार्ट विच ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा जैसे कि अनियन में बल्ब लाइक -like होता है is like potato next is leaf leaf is a green and the main function of the leaf is synthesis of food through photosynthesis in cactus, leaves are modified into spines cactus is referred as xerophyte, very important Zero. next is flower flower is the reproductive part of the plant flower has char parts that is calyx, corolla, androsium and gynosium out of these four, androsium is male sex organ and gynosium is female sex organ uh, unit of androsium is the stamen एंड पोलियन ग्रेन्स आर फाउंड इन दंथर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनिट ऑफ गिनोसियम इज कार्पेल और पिस्टल एंड देर आर थ्री पार्ट ऑफ कार्पेल दैट इज ओवरी स्टाइल एंड स्टेग्मा फ्लार्स हैविंग बोथ स्टेम एंड कार्पेल इज द बाई सेक्शुअल फ्लार नेक्स्ट इज पॉलीनेशन पॉलीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलियनग्रेन्स टू स्टेगमा

इन सम प्लांट्स फ्रूट्स आर डेवलप फ्राम ओबरीज विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पैरेंटोकारपी एग्जाम्पल में आप इसका याद रखेंगे बनाना पपाया ऑरेंज इसमें यूनिक है कि दे आर बींग्राम ओबरी विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट इज फोटोपेराडिजम इट अफेक्ट द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट यूनिक टू रिमेबर दिस पॉइंट नेक्स्ट इज पॉलीनेशन इन मेस्ट एक्सप्लेस थ्रू एयर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज अटेमन एंड वाइल्ड फीमेल पार्ट इज स्पिस्टल पॉलीनेशन बाई इवेंट इज कॉल्ड Anemophily, the very important point Anemophily is pollination by the wind next is formation of fruit see fruit is a matured or ripened ovary developed after fertilization fruit formation taking place from ovary is further divided, divided into three types that is simple fruits aggregate fruits and composite fruit example of perlinggue next in the development of some fruits calyx corolla or thalamus take place and these types of fruits are called the false fruit. Example: apple jackfruit, and pear. Very important point: they, they are the false fruit because in this calyx, corolla, and thalamus take part in the development of these fruits. La last slide is water of coconut is uh, is water of coconut is liquid. New Next point is uh, aloe vera is used as medicinal purpose. Next point is alkali found in the coffee, cocoa, and cola is caffeine. Hot peppers are hot due to the presence of cas. कैप्साइसिन नेक्स्ट इज द ऑरिजिन ऑफ मेजेस अमेरिका दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक स्टेट यू थैंक यू